हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 8 की कंप्यूटर में जो हम लोगों का थर्ड चैप्टर रनिंग में था, वर्किंग विद क्वेरीज फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स, उसकी चौथी वीडियो देखेंगे, चौथा लेक्चर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है क्रिएटिंग क्वेरी यूजिंग क्वेरी विजार्ड, मतलब क्वेरी विजार्ड टूल का इस्तेमाल करके आप कैसे एक क्वेरी को क्रिएट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो मैंने एक MS Access पहले से ही ओपन कर रखा है, तो इसमें जो मेरा मेन काम है, अब देखिए मैं MS Access की मेन स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले। हाँ, अब ये जो मेरे सामने मेरी एक टेबल है जिसका टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, क्लियर। अब इस टेबल में से मुझको अपना डेटा रिट्रीव करना है। अब रिट्रीव क्या करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा, पहले देखते हैं कैसे किसी भी क्वेरी को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर आएंगे, सबसे ऊपर ये क्रिएट का टैब दिख रहा है आप लोगों को, इस क्रिएट के टैब पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्वेरीज वाले ऑप्शन में, क्वेरीज वाले टैब में दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्वेरी विजार्ड और क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग केवल क्वेरी विजार्ड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेरी विजार्ड पे मैंने किया क्लिक। क्वेरी विजार्ड पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक न्यू क्वेरी डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया। इसमें मेरे पास चार ऑप्शन है, सिंपल क्वेरी विजार्ड, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट्स क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। बाकी तीनों चीज़ें जो नीचे दे रखी है लास्ट की थ्री, वो आप लोगों के मतलब की नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में भी नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में केवल सिंपल क्वेरी विजार्ड है। तो मैं सिंपल क्वेरी विजार्ड पर क्लिक करूँगा और ओके। ओके पे क्लिक करते करते ही मेरे पास एक सिंपल क्वेरी विजार्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आया। इस डायलॉग बॉक्स में जो जो डेटा, जो जो कॉलम, जो जो फील्ड मुझको चाहिए, उस फील्ड में क्या करूँगा, उस फील्ड को सेलेक्ट कर लूँगा। कैसे, देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है टेबल, टेबल का नाम है स्टूडेंट्स, मतलब मैं स्टूडेंट्स टेबल में से ही अपना डेटा निकालूंगा। अब स्टूडेंट्स टेबल में कौन कौन से फील्ड्स अवेलेबल हैं, वो ये हैं ID, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड एड्रेस। अब इनमें से मुझे कौन कौन सा फील्ड चाहिए, कौन कौन सा डेटा चाहिए, वो जो जो मुझे फील्ड चाहिए, जो डेटा चाहिए, वो मैं सेलेक्टेड फील्ड्स में इसको एंटर कर दूंगा। कैसे, ये देखिए, फॉर एग्जांपल मुझको नेम चाहिए। अब नेम पे क्लिक किया मैंने, नेम पे क्लिक करना, दिया एरो दिख रहा है आप लोगों को, इस एरो पे कर दूंगा क्लिक। क्लिक करते ही देखिए नेम जो फील्ड है आपका सिलेक्टेड फील्ड्स में आ गया, और यहाँ से क्या हो गया, हट गया, मतलब कि आपके इस सिलेक्टेड फील्ड में कोई भी फील्ड एंटर होगा। अब देखिए मैंने यहाँ पे नेम ऐड कर दिया, यहाँ से नेम ऐड किया तो सिलेक्टेड फील्ड्स में तो नेम कॉलम आ गया, लेकिन अवेलेबल वाले में से जा चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, एड्रेस को और क्लिक करके एंटर कर देता हूँ। तो मेरे पास जो सिलेक्टेड फील्ड्स हो गए वो कौन कौन से, नेम और एड्रेस, मतलब कि मुझे इन्हीं दो फील्ड्स की, इन्हीं दो कॉलम्स की क्या चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, डेटा चाहिए। इतना करने के बाद मैं करता हूँ नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट के बाद व्हाट टाइटल डू यू वांट फॉर योर क्वेरी, मतलब कि अपनी क्वेरी के लिए मैं एक टाइटल रखता हूँ, तो स्टूडेंट्स क्वेरी नाम से मेरे हिसाब से सही है, बीच में एक अंडरस्कोर लगा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अंडरस्कोर क्वेरी, इस नाम से मैंने अपनी क्वेरी सेव करना चाहता हूँ। अब लिख दूंगा यहाँ पे, देखो दो ऑप्शन है, ओपन द क्वेरी टू व्यू इन्फॉर्मेशन और मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन। तो ओपन द क्वेरी ही करूंगा मैं इसको। क्वेरी डिजाइन वाला जो टॉपिक है वो हमारा अगला रहेगा, तो इसलिए इस बार इस वीडियो में हम क्वेरी डिजाइन से कुछ भी रिलेटेड बात नहीं करेंगे। सिंपल ओपन द क्वेरी पे क्लिक टिक रहने देना है और फिनिश। फिनिश करते देखिए जो मेरे पास नई आई है, क्या लिखा है, स्टूडेंट्स क्वेरी, क्या है इसमें, नेम और एड्रेस। तो नेम और एड्रेस नाम के भी जो डेटा आया है मेरे पास, ये किस कहाँ से आया है, ये स्टूडेंट्स टेबल में से आया है, लेकिन कब आया, जब मैंने अपने लिए एक क्वेरी जनरेट करी। एक क्वेरी जनरेट करी मतलब एक क्वेरी ऐसी क्रिएट करी, क्वेरी जिसमें केवल नेम और एड्रेस ही पूछा गया है, नेम और एड्रेस ही मांगा गया है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं हम क्वेरी को जनरेट कर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, यही था क्वेरी विजार्ड टूल। अगली वीडियो में मिलेंगे, देखेंगे कैसे क्वेरी डिज़ाइन का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेरी और जनरेट करते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स।